हमारे रमणीय गुरु जी चुन भाई दवे, सांप्रत गुरु जी स्वर्गस्थ विपिन भाई शाह और हमारी अभी वर्तमान की गुरु जी श्रीमती माधुरीबेन मेहता, इन सबका स्मरण करके उनको वंदन करके हमारा आज का सेमिनार शुरू करेंगे। अभी तक जुड़ने वाले और अभी और जुड़ेंगे उन सबका मैं अभिवादन करता हूँ। और भारत विकास की ओर से संगीता जाजोदिया कुछ टेक्निकल मिस्टेक के कारण बोल नहीं पाई थी, तो वीणा संगीता जी को बुलाइए, 5 मिनट उनका क्या कहना है वो कह सकती है। संगीता जाजोदिया जय भगवान गुरुजी, जय भगवान बा। मैं संगीता जाजोदिया भारत विकास परिषद की सदस्य हूँ। भारत विकास परिषद जय भगवान एक्टिव प्रेशर इंटरनेशनल के सहयोग से पिछले 25 वर्षों से हर वर्ष प्री एक्यूप्रेशर पालन कर रही है। मैंने भी ये 20-22 वर्षों पहले कोर्स किया था,
उस समय से हर वर्ष एक्यूप्रेशर कोर्स के दरमियान गुरुजी के संपर्क में रहते हैं। गुरुजी के इस सेवा यज्ञ से हम सभी काफी प्रभावित हैं। इस फोर्थ फ्री ऑनलाइन एक्यूप्रेशर कोर्स में जय भगवान सर्विसेज व भारत विकास परिषद की तरफ से सभी पार्टिसिपेंट का अभिवादन व स्वागत करते हैं। गुरुजी एक्यूप्रेशर ज्ञान के अलावा दैनिक जीवन में रहन सहन व खान पान की छोटी छोटी जानकारियां देते रहते हैं, जिससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा व निरोग रहे। हर मनुष्य की प्राकृतिक प्रकृति भिन्न भिन्न होती है। शरीर में रोग होने का मुख्य कारण वात पित्त व कफ का इम्बैलेंस होना है। हमारे सूक्ष्म आत्मनिरीक्षण से हम अपने शरीर की प्रकृति का अंदाज लगा सकते हैं तथा उसी के हिसाब से खान पान व रहन सहन करने से काफी व्याधियों से बचा जा सकता है। इस बारे में मैं मेरा एक उदाहरण दूंगी। आंवला फल अमृत फल कहा जाता है और भरपूर गुणों से भरपूर है। आंवला कच्चा या मुरब्बे के रूप में सेवन किया जाता है, लेकिन वो सभी के लिए बहुत फायदेकारक है और मैंने उसका सेवन जूस के रूप में और मुरब्बे के रूप में किया था, लेकिन मुझे स्किन डिजीज हो गई। स्किन डिजीज त्वचा में व्हाइट पैचेस हो गए। उसके बाद मैंने आंवला छोड़ दिया और मुझे समझ में आई कि ये मेरे लिए बहुत ही हानिकारक है। तो सभी लोगों को अपने शरीर पे क्या सूट करे क्या नहीं करे वो अपने हिसाब से निरीक्षण करके उसी हिसाब से अपने पदार्थ लेने चाहिए। जैसे गुरुजी ने एक बार क्लास में कहा था, हरे सिंगाड़े हेल्थ के लिए कैल्शियम से भरपूर है। तो पहले मैं घर में कभी कभी सिंगाड़े हरे लाती थी। उसके बाद से अब बारिश में 3-4 महीने सिंगाड़े आते हैं तो मैं खूब लाके सेवन करते हैं, क्योंकि गुरुजी ने कहा था कैल्शियम से भरपूर है और 3-4 महीने खाने से ही हमारे शरीर में पूरे साल का कैल्शियम स्टोरेज हो जाता है। गुरुजी मैं मेरा एक अनुभव शेयर करना चाहूंगी। मेरी मम्मी 75 ईयर्स की थी। 2 साल पहले की बात है। मेरी मम्मी की लास्ट रिंग फिंगर और उसके पड़ोस की फिंगर दोनों बैंड हो गई थी। उन्होंने दवाई डॉक्टर को दिखाया, मेडिसिन ली, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। बाद में मैं सेंटर पे आई थी, दीपक भाई को दिखाया था। दीपक भाई ने उन्हें 2-3 उपाय बताए थे। उन उपायों में सेंधा नमक की डली हाथ में पकड़ के रखना और कपड़ा सुखाने की पिन से स्टेपल करना, पिन लगाना और गर्म पानी का सेक करना। मेरी मम्मी ने ये 3 उपाय किए। उसके बाद धीरे धीरे उनकी अंगुलियां पूरी खुल गई। तो ये सब हाँ। और गुरुजी रोजाना सामूहिक प्रार्थना करवाते हैं। वो प्रार्थना करने से हमें आध्यात्मिक उत्थान मिलता है और हमारे शरीर में सेवा भाव का संचार होता है। तो मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अपने को जिस भी भगवान पे आस्था हो हमें प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। राम रक्षा स्त्रोत्रम पाठ का संस्कृत में 2 लाइन कहकर मेरा भाषण खत्म करूंगी। राम रक्षा पठेत पराग्य पाप धनी सरो कामदाम शिरो में राघव पातु भालम दशरथा। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान को अलग अलग नाम से इस पाठ में वंदन किया जाता है और अपने शरीर के हर पार्ट की के लिए प्रार्थना करते हैं कि हमारा भाग ठीक रहे। शिरो में राघव पातु भालम दशरथा, हे राघव मेरे सिर की रक्षा करना और हे दशरथ जी के पुत्र मेरे ललाट की रक्षा करना। कौशल्य दृश्य पातु विश्वामित्र प्रियसुति घ्राणम पातु मक्तादा मुखम सौमित्री वस्त्रम, हे कौशल्य के नंदन मेरे नेत्रों की रक्षा करना। हे विश्वामित्र के प्रिय मेरे कान की रक्षा करना। हे यज्ञ रक्षक मेरे नाक की रक्षा करना और हे सौमित्र के वस्त्र मेरे मुख की रक्षा करना। जय भगवान गुरु जी। जय भगवान। धन्यवाद धन्यवाद। बहुत बढ़िया धन्यवाद। हाँ तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे इस परिवार में एक निकिता जयेश, उनका आज हैप्पी बर्थडे है। मैं मेरी ओर से, जय भगवान की ओर से, भारत विकास परिषद की ओर से और आप सबकी ओर से मैं निकिता को बहुत ही शुभेच्छा देता हूँ बर्थडे की, हैप्पी बर्थडे। दूसरा, हमारी मलेशिया की हमारी एक साथी हो गई अभी अनुराधा जो इससे वह जुड़ने वाली है, उनका बर्थडे कल था तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। अनुराधा जी जुड़ गई है।
जुड़ गए ना, तो बाद में वो बोलने वाली है बाद में, थैंक यू। तो एक इसके करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। जैसे आज सबको विदित है कि हमने 29 पॉइंट देख लिए। कल हमने एड्रिनल, किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, एड्रिनल, मूत्रपिंड, मूत्रनलिका, मूत्राशय, ऐसे 29 पॉइंट देख लिए। अभी एक बात जो एक्यूप्रेशर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो समझना ही चाहिए, वो पहले बताता हूँ फिर आगे के पॉइंट में हम जाएंगे। 29-29 पॉइंट देखे। दीपक भाई ने प्रैक्टिकली भी सारे वीडियोस वगैरह भेज दिए। पॉइंट का जगह नक्की किया हमने, दबाया। तो कैसे दबाते हम? स्टेडी दबाओ, और वो स्टेडी दबाव दबाने पर वहां पर एक चुभन वाला दर्द होता है, हिंदी में, इंग्लिश में टेंडर पॉइंट है। इसका मतलब होता है जो पॉइंट दबाया है उसके संबंधित ऑर्गन में कोई तकलीफ है। एज फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के रूप में कंधे का पॉइंट पैर में दबाया और वहां चुभन वाला दर्द मिला, इसका मतलब कंधे में कोई प्रॉब्लम जरूर है। इसको कहते हैं टेंडरनेस चुभन वाला दर्द, गुजराती में खुंचे ते हो दर्द। ये टेंडरनेस बहुत ही जरूरी है एक्यूप्रेशर में, वो टेंडरनेस हमें पकड़नी चाहिए, मगर वो पकड़ने के लिए सामने वाली व्यक्ति का सहकार चाहिए, कोऑपरेशन चाहिए। मगर वो ना भी बोले तो उसके हाव-भाव से, चेहरे के फेस से, हाव-भाव से और पैरों की खिंचाव से मालूम पड़ता है ये पॉइंट टेंडर है। ये टेंडरनेस पकड़ना बहुत जरूरी है, और जितनी मात्रा में दर्द है उतनी मात्रा में टेंडरनेस मिलता है। आपको समझाऊं मैं। एक बड़ा बड़े कद का अरीसा मिरर मेरे सामने है, मैं पूरा खड़ा रह जाता हूँ बीच में, मेरी पूरी मेरा पूरा प्रतिबिंब उसमें दिखेगा। मैं 10-15% हट गया तो क्या होगा? उतना प्रतिबिंब कम दिखेगा। आधा हट गया, आधे प्रतिबिंब आएगा। पूरा हट गया तो बिल्कुल नहीं आएगा। उसी प्रकार जैसे जैसे दर्द में कमी होती, कोई भी, कंधे का हो, कान का हो, गले का हो, जैसे जैसे वो तकलीफ दूर होती है वैसे वैसे टेंडरनेस कम मिलती है, याद करना। और समझो बिल्कुल ठीक हो गया, टेंडरनेस विल बी जीरो। दबाने का दर्द होगा मगर जो विशेष प्रकार का दर्द है वो नहीं होगा। ये चीज बहुत समझती है, बहुत इम्पोर्टेंट है कि टेंडरनेस पकड़ेंगे ना तो आपको मालूम पड़ेगा कि दर्द कितना, कितनी मात्रा में, वो टेंडरनेस का की समझ भी आपको हमारे दीपक भाई देंगे। कुछ प्रश्न आते हैं, उसमें एक सज्जन ने इतने रोग बताए, इतने 15-20, तो मुझे लगता है कि ये सारे रोग उनको है तो अस्पताल में तुरंत भर्ती होना चाहिए, 15-20 रोग। या उनको जानकारी भी चाहिए वो सही नहीं है, क्योंकि हमारे पूरे कोर्स में जो जो आएगा आप सीख लीजिए। अगर ना हो तो मुझे एक एक रोग के बारे में फोन करके पूछना, क्योंकि 15-20 रोग में बताने जाऊंगा ना अपना पूरा 5-7-10 दिन पूरा हो जाएगा। तो कृपा करके जो अपना कंसर्न है वही प्रश्न पूछिए, और खास अपना हो तो फोन करके सलाह परामर्श कर ले, ताकि अपना इसका समय बिल्कुल वेस्ट ना हो। कृपा करके एक दो छोटी चीज आई बताता हूँ मैं। हमारी एक बहन है, एक दीपाली है, दीपाली फ्रॉम बॉम्बे। उन्होंने पूछा है कि मसे होते हैं, मसे होते हैं सर में, यहाँ ऐसा मसे, काले मसे होते हैं, उसका क्या इलाज है? तो दीपाली अगर है तो कृपा करके सुन ले। एक अदरक का पीस लेना है, जिंजर, आदू, अदरक का पीस छोटा सा छील लेना है, उसको चूने में, खाने के चूने में रब करना है, तो चूना और अदरक दोनों का मिक्स हो जाएगा। वो चीज जहां मसा है वहां 2 मिनट के लिए रब करना है, 2 मिनट सिर्फ, और फिर धो देना है, रखना नहीं है। ऐसा कितना पुराना मसा है उसके मुताबिक 3 दिन में 4 दिन में 6 दिन में अवश्य वो मसा हट जाएगा, ख्याल करना। तो मसे की बात मैंने बताई, और भी चीजें बताना है मैं बताऊंगा, मगर सबसे पहले हमारे जो ऑर्गन्स बाकी बचे हैं 3, उसके बारे में बात करता हूँ। बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गन की शुरुआत हम आज करते हैं, वो है हमारा हृदय या हार्ट। हार्ट या हृदय हमारे शरीर का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन है।
एक स्नायु है वो, इट इज ओनली मसल, मगर वो कहां पर है सबको पता है, हमारी छाती में, ये पसलियों के पीछे लेफ्ट साइड में उसका स्थान है, सबको मालूम है। उसका आकार मुट्ठी जैसा है, जस्ट लाइक फिस्ट ऐसा। उसका वजन 0.3 केजी मतलब 300 ग्राम। उसका काम क्या है? उसका काम है शरीर में जो खून ब्लड रक्त बहता है उसको धक्का देने का, पुश देने का, पंपिंग करने का काम। इसलिए हमारा खून सिर से लेकर पैरों की उंगलियों के टिप तक पहुंच जाता है, उसके कारण कैसे काम करता है। और ये काम कैसे करता है? अविरत, ऑलवेज। उसको ऐसा कह सकते कि जन्म से मृत्यु तक काम करता है, वो भी थोड़ा अर्धसत्य है। माँ के गर्भ में 4 हफ्ते के बाद हृदय का काम शुरू हो जाता है, वहां से लेकर जब हृदय बंद होता है तभी कह सकते कि आदमी मर गया, वहां तक नहीं कह सकते। ऐसा हृदय अविरत काम करता है, बिना रुके काम करता है। कैसे काम करता है? वो हृदय जो है अपना सिकुड़ता है विकसता है, सिकुड़ता है विकसता है, सिकुड़ना विकसता है, कंटिन्यूअस चालू है। और एक मिनट में, विद इन ए मिनट, 72 टाइम्स वो धड़कन होती है। और हर एक धक्के में 5 से 7 ग्राम 7 ml खून आगे बढ़ता है। पूरे दिन में वो 5,000 से 7,000 किलो ब्लड शरीर में उगमाते हैं। सोचिए अपने घर में पानी की टंकी होती है ना, वो 500 लीटर या 1,000 लीटर की होती है, जबकि ये 7,000 लीटर ब्लड को क्या करती है, सर्कुलेशन करती है, कौन हार्ट। अब अभी आप जब अपना वेबिनार पूरा हो आप करके देखना, कितनी देर तक ऐसा कर सकते हैं, 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट आपकी उंगलियां जकड़ जाएगी। मगर हार्ट अविरत काम करता है, और अविरत काम करने पर भी थकता नहीं है। क्यों? उसका कारण ये है कि वो सबसे पहले सविशेष रूप से मजबूत, इट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रॉन्ग मसल, एक कारण ये। दूसरा कारण, जब हमें काम ज्यादा करना हो ना, अच्छी खुराक चाहिए, न्यूट्रिशियस फूड चाहिए, तो उसका न्यूट्रिशन किससे मिलता है हार्ट को? हार्ट का न्यूट्रिशन क्या है? शुद्ध रक्त, प्योर ब्लड उसके आसपास उपलब्ध है, वहां से मिल जाता है। और तीसरा, हार्ट कभी आराम नहीं करता है, वो भी सत्य नहीं, अर्धसत्य है। बहुत ध्यान से सुनना, जो हृदय की हमारी धड़कन है ना, वो धड़कन दब 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 ऐसा होता है, एक छोटा एक बड़ा दबकार होता है, धड़कन एक छोटी है एक बड़ी है, उसके बीच में जो अवकाश बढ़ता है उसमें हार्ट आराम कर लेता है और बहुत बढ़िया काम होता है, जिंदगी के आखिरी दम तक वो काम करते रहते हैं। उसको संडे की छुट्टी नहीं, दिवाली की छुट्टी नहीं, रक्षाबंधन की छुट्टी नहीं। अगर वो रात को छुट्टी में उतर गया, जय भगवान, काम तमाम हो गया। तो ऐसा हार्ट कुदरत ने, भगवान ने हमको दिया है। ये उसकी सारी अच्छाइयां बोली, उसकी कुछ बुराइयां हैं। बुराई क्या है? वो अतिशय सेंसिटिव है, उसको किसी प्रकार के दुक्का धक्का या सुक्का धक्का बैठा ना, उस पर असर पड़ जाता है और हार्ट कमजोर हो जाता है, हार्ट अटैक होता है वगैरह, और फिर बहुत ही मुश्किल हो जाता है। हार्ट अटैक आते ही क्या करना पड़ता है? डॉक्टर कहते हैं इनको तुरंत एम्बुलेंस में ले चलो अस्पताल में, वहाँ ICC यूनिट में भर्ती करते हैं, लाइफ सेविंग ड्रग देते हैं, जो एक इंजेक्शन की कीमत 17,000-19,000 होती है, डॉक्टर कहते हैं 3 देना पड़ेगा, दे दो, ठीक है। तो इस प्रकार हार्ट का काम होता है। अभी अभी जो पिछले 15-20 साल से क्या हो रहा है कि हार्ट को जो खून पहुंचाने वाली नलियां है, सादी भाषा में नलियां, मेडिकल भाषा में आर्टरीज, वो आर्टरीज में ब्लॉकेज हो जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल के और कई चीज के ब्लॉकेज होता है। ब्लॉकेज होने से क्या होता है? खून पहुंचता नहीं है, और जहां खून नहीं पहुंचता है, हार्ट का ऑपरेशन कैसा हो जाता है? डेड जैसा हो जाता है, हार्ट अटैक आता है और उसकी लंबी सारवार करनी पड़ती है। तो वो ब्लॉकेज को निकालने के लिए क्या करना चाहिए? बाईपास सर्जरी तो अपना काम नहीं है। बहुत ध्यान से देख लेना जो मैं एक प्रक्रिया बताता हूँ, वो प्रक्रिया करने से ब्लॉकेज जो भी होगा ना आपका निकल जाएगा,
तंदुरुस्त आदमी की नलियों में भी थोड़ा बहुत तो ब्लॉकेज रहता है। अगर ये जो मैं बताता हूँ प्रक्रिया वो आप करेंगे दिन में एक बार, 5 मिनट का समय लगेगा, तो आपके ब्लॉकेज धीरे धीरे कम निकल जाएंगे, आपकी नलियां बिल्कुल कैसी रहेगी, साफ रहेगी। क्या करना है उसमें ध्यान से देखिए, बाया हाथ लेना है, लेफ्ट हैंड, उसमें एक छोटी उंगली के बाजू की उंगली है ये नहीं, इसको अंगूठे के मूल में दबा देना है, अंगूठा ऊपर रखना है और 3 उंगलियां ऊपर रहेगी। देखिए ये उंगली दबाई, ऊपर अंगूठा आया, 3 उंगलियां ऊपर रहेगी और उसको कंधे के पास आशीर्वाद मुद्रा में रखना है। ये हो गई मुद्रा। इस मुद्रा को सूर्य मुद्रा कहते हैं, सूर्य मुद्रा। मुद्रा के जानकार लोग को जरूर मालूम होगा, जो योगाचार्य है, बहुत से योगाचार्य है, उन सबको भी मालूम होगा। तो इस प्रकार रखना है। ये जो चीज बताता हूं ना, वो मुद्रा और प्राणायाम दोनों का कॉम्बिनेशन है। कैसे प्राणायाम में बताता हूं, ये ऐसा हाथ रख लिया, दाहिना हाथ राइट हैंड के अंगूठे से राइट नोस्ट्रिल को बंद करना है। फिर क्या करना है, गहरी सांस लेना है और बाद में 25 बार कपाल भाति करना है। कैसे मैं करता हूं, कृपा करके देख, मैंने गिना नहीं है, 25 बार हो जाता है। शुरू में आप अगर नहीं कर पाते हैं तो 10, 12, 15, 20 देर देर बढ़ा देते हैं। ये पूरी प्रक्रिया करने को सिर्फ कितना समय लगेगा, 5 मिनट। दिन में एक बार कभी भी, सुबह में शाम को कभी भी कर सकते हैं, तो उससे आपकी नलियों का ब्लॉकेज बिल्कुल निकल जाएगा। दूसरा एक प्रयोग मैं आपको बताना चाहूंगा हार्ट के बारे में, उन ब्लॉकेज को निकालने। ये तो करेंगे हम लोग, और समझो अटैक आ गया, ब्लॉकेज है, फिर क्या करना चाहिए, बाईपास डॉक्टर बोलते हैं, उसके लिए एक बहुत अच्छा सादा प्रयोग है, कृपा करके आप समझ लीजिए, लिख लीजिए। अदरक का जूस, जिंजर उसका जूस, एक आध चम्मच लेना है, बड़ा चम्मच, उसमें छोटी आधी चम्मच सौंठ पाउडर, जिंजर पाउडर डालना है, अच्छी तरह मिला करके पेस्ट बनाना है और फिर हार्ट के आसपास लेफ्ट साइड में छाती में का ऐसा लेप करना है राउंड में, और उस भाग को पट्टी लगाकर, रुई लगा करके रखना है, और ये लगाया हुआ जो पेस्ट है वो 5 घंटे रखना है, 5 आवर्स। ऐसा करने से अंदर की जो नलियां हैं, जो ब्लॉकेज है, वो धीरे धीरे दूर होते हैं। ये प्रयोग आपको 1 महीना करना है। कई लोगों को हमने बताया और उसका फायदा उठाते हैं और कई लोगों की सर्जरी बच गई है, तो कृपा करके इसका गौर करें और इसका उपयोग करें जहां जरूरत है। तो हार्ट के बारे में मैंने आपको बताया, अभी उसके बाद का जो ऑर्गन है उसको कहते हैं इंग्लिश में स्प्लीन, हिंदी में प्लीहा, गुजराती में बरोड़। ये ग्रंथि भी हमारी छाती के नीचे के भाग में स्टमक की बॉर्डर पर लेफ्ट साइड में है। उसका काम बताऊं उसके पहले थोड़ी और बात करना चाहूंगा मैं। हमारा जो खून होता है, ब्लड, रक्त, उसमें हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं WBC, रेड ब्लड सेल RBC होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, प्लाज्मा होते हैं, बहुत चीजें होती है उसमें। तो उसमें जो रेड ब्लड सेल है, जो उनको रेड रखता है और ऑक्सीजन पूरे शरीर में पहुंचाता है, वो रेड ब्लड सेल हमारी जो शरीर की हड्डियां है, वो हड्डियों के भीतर थोड़ा सा खुला भाग है, उसको कहते हैं, उसमें बोन मेरो होता है, बोन मेरो मज्जा। वो बोन मेरो में से रक्त कणों के क्या होता है, उत्पत्ति होती है, फिर वो खून में आ जाता है और काम करता है। उसकी प्रिस्क्राइब लाइफ कितनी, उसकी लाइफ है जिंदगी 120 दिन, 120 डेज तक वो काम करता है। और जब उसका विसर्जन नजदीक आता है तो स्प्लीन में, प्लीहा में आकर ठहरता है, वहां उसका विसर्जन हो जाता है, स्प्लीन का काम। और दूसरा काम है स्प्लीन का, उसमें व्हाइट सेल्स निर्माण होते हैं, WBC का निर्माण वहां होता है, और उसकी एज नक्की नहीं है। क्यों, उसका काम क्या है, जहां पर कहीं कोई शरीर में
तकलीफ आई वहां जाकर दौड़ करके उसके सामने लड़ना। इसलिए ऐसे सेल्स को हम लोग सोल्डर सोल्जर सोल्जर सैनिक सिपाही गण कहते हैं। इसलिए उसका कोई लाइफ नक्की नहीं है, वो लड़ाई लड़ते लड़ते वहां मर भी जा सकते। तो स्प्लीन में ये काम होता है, इसलिए स्प्लीन भी इनडायरेक्ट रूप में हमें क्या देते हैं, इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक शक्ति देती है। तो इसको भी हमें अच्छी तरह से संभालना चाहिए। तो ये दूसरा हो गया। तीसरा जो पॉइंट है उसको कहते हैं, अभी मैं स्क्रीन पर दिखाता हूँ, उसका नाम है हेमेरॉइड्स। हेमेरॉइड्स का इंग्लिश शब्द है, उसका मतलब होता है रक्तस्राव। और खास करके जब किसी को मसे होते हैं पाइल्स, उस पाइल्स में खून जाता है कभी कभी, वो रक्तस्राव की बात है। उसका पॉइंट भी अभी आपको चार्ट में दिखाया जाएगा। हार्ट और स्प्लीन दोनों लेफ्ट में है और हेमेरॉइड दोनों पैर में है, वो आपको अभी दिखाया जाएगा। तो अभी दिखा देता हूँ और बाद में पैर के ऊपर के हिस्सों का पॉइंट हमें देखना है। तो अभी निकाल हार्ट स्प्लीन और हेमेरॉइड। हाँ ठीक है, ये हार्ट का दृश्य दिया है। हार्ट कैसा है, कैसे काम करता है, कितना है वगैरह दिया गया है। ये बड़े बड़ा बड़ा भी दिया है हार्ट, देखो कैसे कैसे वो काम करता है, उसके कितने सेक्शंस है वगैरह बताए। उसका हमें मतलब नहीं है, मगर जानकारी के लिए। वो उसके पॉइंट्स कहाँ है वो अभी आपको चार्ट में दिखाया जाता है, आप देख लीजिए। और उसको फोटो आपके मोबाइल में उसका फोटो ले लीजिए ताकि आप बाद में भी देख सके। तो अभी आएगा वो अपने पैरों में कहाँ पर वो तीनों पॉइंट है, हार्ट स्प्लीन और हेमेरॉइड, वो अभी आपको दिखाया जाता है। ये प्लिया का है, प्लिया का है वो बताया गया बॉडी में, बाद में पैर में आ गया। देखो अभी देखो पॉइंट नंबर 30 डायफ्राम के ऊपर दिखाया गया है हार्ट है, पॉइंट नंबर 31 डायफ्राम के नीचे है वो हमारा स्प्लीन है, पॉइंट नंबर 30, 31 और 32 हमारी जो एडी है उसके इर्द गिर्द उसका आकार कैसा है, होर्सशू, घोड़े की नाल जैसा आकार है, वो दोनों में है। ये दबाने से पाइल्स ठीक होते हैं, पाइल्स ठीक नहीं होते हैं। उसके लिए क्या करना चाहिए, पाइल्स होने का रीजन एक ही है कि हमारे मल विसर्जन की प्रक्रिया कैसी है, सही नहीं है, इसलिए हमें पाइल्स हो जाता है। अगर मल विसर्जन सही हो तो पाइल्स कभी नहीं हो सकता है। तो मल विसर्जन सही हो इसके लिए एक पॉइंट आपको दिखाया गया है, चीन का पॉइंट आगे दिखाया गया है वो करना चाहिए, सिगमंड का पॉइंट करना चाहिए, जरूरत पड़ने पर हरड़ा एरंडे का तेल कुछ भी लेके अगर आपका मल विसर्जन सही रहा तो पाइल्स होने की शक्यता नहीं है। पाइल्स हो गया तो क्या करना चाहिए उसके बारे में मैं आज समय तो आज नहीं तो कल बताऊंगा, पाइल्स का निवारण कैसे हो। तो अभी 32 पॉइंट होने से पैर के सब पॉइंट हमारे तलवों के हो गए। अभी हम जाएंगे पैर के ऊपर के हिस्से में 8-9 पॉइंट है उसके बारे में, उसका चित्र आपको दिखाया जाता है ऊपर का। हाँ ये ब्लैंक है, अभी उसमें पॉइंट कैसे आया है वो आपको दिखा देते हैं। देखिए देखो ये A1 पॉइंट है जो हमारे दोनों टखनों के बीच में, बीच वाले पैर में बताया है। और उसमें दूसरा पॉइंट है फैलोपियन ट्यूब, वो महिलाओं में होता है, उसको कहते हैं बीज वाहक नलिका। ये ए में है दोनों, B1 में है पूरा मेटार्थल एरिया। फिर ये जो बताया है जान लीजिए करो, सी चेस्ट रिब्स ब्रेस्ट CRB वगैरह। फिर आगे ये स्पाइन है, पछी नहीं मिला चलो से। अच्छा तो ठीक है, ये जो बाकी के 2-3 पॉइंट है वो अपने एक्स पॉइंट वगैरह मतलब कि गोनाड्स पॉइंट वगैरह वो हाँ गए आगे। देखो ये जो है ना पैर में, ये अंगूठे की साइड में वो ब्लैडर है। फिर हाँ ये स्पाइन की रीढ़ की हड्डी की विभाग है। अबे आते घुटन घुटन हाँ ये जो
ये जो देखिए, ये आप देख रहे हैं G2, वो हमारा टेस्टिकल ओरिज है पुरुषों के लिए, और F वो घुटने के लिए पॉइंट है, और ये जो रस्सी जैसा भाग है वो मलाशय है। इधर इस तरफ अंगूठे के साइड में जो है पुरुष ग्रंथि है पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए गर्भाशय। ये सारे पॉइंट आपको थोड़ा जल्दी से बताया है, उसका फोटो खींच सकते हैं, और अभी थोड़ी देर में हमारे दीपक भाई आपको प्रैक्टिकल बताएंगे ताकि आपको ज्यादा क्लियर होगा। तो अभी दीपक भाई कृपा करके ये सारा प्रैक्टिकल आप बताइए। जय भगवान। दीपक भाई सोने जी दीपक भाई सोने जी, जय भगवान, जय भगवान, जय भगवान। शर्मा जी आवाज बराबर है? बराबर आवाज बराबर। बहुत दिनों के बाद आपका आवाज सुना है मैंने। जय भगवान, जय भगवान। गुरु जी ठीक है कि ऊपर कर थोड़ा? बिल्कुल ठीक है परफेक्ट है, एमराल्ड दिखता है बराबर? हाँ दिख रहा दीपक भाई। गो अहेड। पहले हम पॉइंट देखेंगे हृदय, हार्ट के पॉइंट। हार्ट हमारा लेफ्ट साइड में है, तो हमारे लेफ्ट पैर में हार्ट का पॉइंट आएगा, और हार्ट हमारा हार्ड पोर्शन में, कड़क भाग में है, हार्ट पोर्शन में है। अब देखेंगे अपने रिब से कड़क भाग में है हार्ट, तो हार्ट फोर्थ जोन में आएगा, और R1 लाइन के ऊपर यहाँ पर देखेंगे यहाँ हार्ट है, फोर्थ जोन में, कड़क जोन में, कड़क भाग में, ये होगा हार्ट का पॉइंट। और हमने पहले हमने देखा था स्टमक का पॉइंट कैसा दिखा था हमने, ये 1 2 3 इतना ऐसे दिखा था हमने। तो स्टमक के साइड में यहाँ पर स्प्लीन का पॉइंट है, बरोड़ स्प्लीन का पॉइंट है, हार्ट स्प्लीन और हेमोरॉइड जो है ना, ये पूरा घोड़े की नाल जैसा पूरा है, ये पूरा हमारे हेमोरॉइड के पॉइंट है। देखेंगे यहाँ से लेके नीचे से लेके ऊपर पूरा सा ये घोड़े की नाल जैसा है, पूरा ये हेमोरॉइड के पॉइंट है। अभी पहले आपको बता दूं, किसको भी हार्ट अटैक आवे तो मेहरबानी करके आप कुछ पॉइंट देना मत कि मैं एक्यूप्रेशर वेबिनार किया था, मैं आपको हार्ट का पॉइंट दूंगा, आप हार्ट ठीक हो। तो पहले डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में एडमिट करो, और आप कुछ प्रेशर को देना नहीं, कुछ होगा साइड इफेक्ट होगा तो नहीं, पर मेहरबानी करके आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, किसको हार्ट अटैक आवे, कोई भी आवे, तो फिर डॉक्टर की ट्रीटमेंट जरूरी है। फिर घर पे जो पेशेंट आएगा 8-10 दिन के बाद, फिर आप पॉइंट देंगे तो उसको राहत मिलती रहेगी। हार्ट का पॉइंट कैसा देना है, स्टेडी प्रेशर, 10 सेकंड दबाइए, छोड़ दीजिए, 3 बार दबाइए, 10 सेकंड छोड़ दीजिए, ऐसा दिन में 1 बार करना है हार्ट का पॉइंट। इसी तरह बाद में स्प्लिन का पॉइंट, इसको भी दबाइए, स्टेडी प्रेशर, छोड़ दीजिए। स्प्लिन क्या करती है, हमारे रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाती है, स्प्लिन का पॉइंट, ये दबाएंगे छोड़ देंगे, इसको दबाएंगे छोड़ देंगे। फिर हमारे हेमोरॉइड का पॉइंट देखिए, रक्त स्राव का पॉइंट, हमें क्या देना है, इसको थंब वॉकिंग करना है, थंब वॉकिंग प्रेशर दे सकते हैं ऐसा ही, इसको पूरी तरह ऐसा करके थंब वॉकिंग प्रेशर। तो हमें जब पाइल्स में रक्त स्राव होता है तो उसमें राहत मिलती है, जैसा गुरुजी ने बताया, जिसको ज्यादा समय से कॉन्स्टिपेशन का तकलीफ होती है उनमें क्या होता है, मल विसर्जन में खून आता है, तो पहले रक्त स्राव को हमें पॉइंट लेना नहीं पड़े। इसके लिए आपका मल विसर्जन बराबर होना चाहिए, आपको जरा भी कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए, तो आपकी ये पॉइंट लेने की और आपकी जो पाइल्स की तकलीफ है नहीं होनी चाहिए। तो आपको ये ध्यान रखना है तो ये पॉइंट तो है, इसमें आपको रक्त स्राव में राहत मिलती रहेगी, बराबर थंब वॉकिंग करते हुए देखिए पूरा ऐसा ये करते रहिए, ये ऐसा पॉइंट देता रहना है आपको। ठीक है, अभी हम पैर के ऊपर के पॉइंट देखेंगे, अरे पहले आ रहे बस बराबर शर्मा जी, अभी हाँ सही
ठीक है थोड़ा ऊपर कर दो, थोड़ा कैमरा ऊपर कर, पैर पूरा ठीक है ना। ओके लाइट लाइट कम है, लाइट बराबर है ना। हाँ ठीक है ठीक है, लाइट बराबर। हाँ पकड़ो एक मिनट। हाँ पॉइंट नंबर ए, लिम लसिका की ग्रंथियां कैसा देना है हमें, ये हड्डी है ना जो ये टखनी, इसको हम लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसा, ये दोनों हड्डी से हड्डी दोनों पैरों में है पॉइंट, ये जहां बहने पायल पहनती है और जहां आके रुकती है तो वो पॉइंट है लिम का पॉइंट। तो आपको याद रखना है कि जहां जो पायल पहनती जहां रुकती है वो पॉइंट है। कैसा देना है हमें, चार उंगली यहां रखना है, चार यहां रखना है और अंगूठे का सपोर्ट नीचे रख के ऐसा रोटेटिंग प्रेशर दीजिए। तो इससे शरीर में कभी भी सूजन होगी, अब ये इसको बोलते हैं हम जांघ प्रदेश की ग्रंथियां। तो शरीर के जांघ प्रदेश पॉइंट देंगे तो आपको शरीर में सूजन में बराबर आपको फायदा मिलता रहेगा। और इसका एक दूसरा महीनों के महिलाओं के लिए इसके अंदर है फेलोपियन ट्यूब, तो इसके साथ लेडीज को पॉइंट देंगे तो फेलोपियन ट्यूब में तो उसका भी उसको पॉइंट मिलता रहेंगे। 10-10 बार सेकंड 3 बार दोनों पैरों में हम देते रहेंगे ऐसा ही, ऐसा ही है। पॉइंट नंबर ए लिम, लिम याद नहीं आपको पायल वाला पॉइंट ऐसा याद रखिए, उससे आपको सोजन में शरीर में तो आप पॉइंट देंगे। अभी दूसरा पॉइंट है बी, जो पसलियों का पॉइंट है, ये चेस्ट ब्रेस्ट रिब्स, ये हमारी जो पसलियां है ना अपने जो अस्थि पिंजरा अपना चेस्ट है, चेस्ट के पॉइंट है। तो बराबर दो अंगूठे अंगुली के बीच में हड्डी के बीच में खड्डा है, वेब है, ऐसा वेब में पॉइंट है। कैसा देना है, अंगुली से रख के दबाइए 10 सेकंड 3 बार सभी जगह। तो ये पॉइंट देने से अस्थमा के लिए, कफ के लिए, छाती के कुछ भी तकलीफ के लिए, और छाती के भाग में चेस्ट पेन हो तो छाती के भाग में पॉइंट, ये पॉइंट देने से चेस्ट में आपको तुरंत राहत मिलेगी। ये ऐसे हमारे इसको पॉइंट नंबर बी, चेस्ट ब्रेस्ट रिप्स, और आप समझ जाएंगे पूरे छाती के एरिया कवर होती है, अस्थमा कफ हो दम हो या हार्ट की तकलीफ हो या चेस्ट में पेन हो रहा हो तो अचानक इसमें जलन होती हो पेन होता है उसका पॉइंट देंगे तो पॉइंट नंबर बी, तो आपको तुरंत उसमें राहत मिलेगी। फिर पॉइंट नंबर सी, जैसा गुरु जी ने बताया है रीढ़ की हड्डी के हमारे अपने जो 7 नंबर पॉइंट देखा आप, देखो रीढ़ की हड्डी है ये पूरी है स्पाइन, कहाँ तक साइटिका लाइन तक। अभी हमने जो 7 नंबर पॉइंट का पूरा रीढ़ की हड्डी है, अभी इसमें जो आपको सी में दिखा है इसके 5 विभाग दिखाए हैं। पहला है C1, अंगूठे के नखून से लेके गले का पॉइंट तक ये है C1, फिर यहां से लेके वेस्ट लाइन तक C2 थोरैसिस भाग पीठ का भाग, फिर यहां से लेके हील लाइन तक C3 लंबर, फिर आधा भाग सैक्रम C4 और कोकिक्स। तो हम जो 7 नंबर पॉइंट देते हैं हम करते जाते ना ऐसा, कभी हमें ये C1 जो ये भाग में पेन हुआ तो मतलब पेशेंट को उसको सर्वाइकल की तकलीफ है। फिर हम आगे बढ़ेंगे फिर हम देखेंगे कि पेशेंट को समझो कभी दबा रहे हैं, C2 भाग में हुआ तो मतलब पेशेंट को पीठ में तकलीफ है। फिर हम आगे बढ़ेंगे तब वॉकिंग करते हुए और वेस्ट लाइन से लेके हील लाइन तक पेशेंट को टेंडरनेस है, मतलब उसको लंबर स्प्रोनस है स्लिप डिस्क है। इसे हम करते जाएंगे ऐसे पॉइंट तो हमारे कौन से विभाग में तकलीफ है तो पूरा हम पॉइंट देंगे, उसमें हम नक्की करेंगे कौन से विभाग में तकलीफ है। तो सर्वाइकल में तकलीफ है हम उसको ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करके ये जगह पर हम पॉइंट देते रहेंगे तो उसको सर्वाइकल में फायदा होता रहेगा। और उसी तरह हम लंबर के सेक्शन में भी किसको तकलीफ हो स्लिप डिस्क हो साइटिका हो तो उनको यहाँ सर लंबर से लेके सैक्रम तक हम पॉइंट देंगे तो उसको पेशेंट को तुरंत राहत मिल जाएगा। ये पॉइंट हमने बताया है कि आपको मालूम पड़े कि डिवीजन कैसा है, अपने जो MRI करते हैं ना जो उसमें पूरा लिखते हैं डॉक्टर, तो हम अपने पॉइंट देंगे तो इससे हमको मालूम पड़ता है कौन से डिवीजन में हमको तकलीफ है कौन से मंडके में, उससे हम निश्चित कर सकते हैं। अभी पॉइंट नंबर सी, पॉइंट नंबर डी यूरिनरी ब्लैडर। अभी कल ना QUB मैंने देखा, देखिए अपने QUB मैंने कल ड्रॉ किया था ना, मैंने हाफ सर्कल ड्रॉ किया था कल, अभी मैं पूरा कर देता हूँ साइड व्यू कर लेता हूँ। ये पॉइंट नंबर डी हुआ, ये हाई सर वही पॉइंट है पर हमारा साइड व्यू देखेंगे तो सर्कल में ऐसा आपको ऐसा साइड व्यू ऐसा दिखेगा। तो हम कैसा दबाना है,
स्टेडी प्रेस से दबा के छोड़ दीजिए, ब्लैडर का पॉइंट दबाया स्ट्रेट छोड़ दीजिए 10-10 सेकंड तीन बार। अभी पॉइंट नंबर ई, सभी पॉइंट दोनों पैरों में है, हमने आर्म शोल्डर का पॉइंट नीचे देखा था, पर अभी आप ऊपर से भी दे सकते हैं बराबर ऊपर की तरफ। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में हम लोग ऊपर की तरफ का पॉइंट देते हैं, पॉइंट नंबर ई है, ये है आर्म शोल्डर का पॉइंट। कैसा देना है, जैसा ऊपर देते ना, यहाँ भी ऐसे दबा के दीजिए शोल्डर पेन में, दबाएंगे 10 सेकंड, यहाँ दबाएंगे तो आपको लेफ्ट शोल्डर में जो तकलीफ होगी उसमें आपको राहत मिलती रहेगी, बराबर 10-10 दबाएंगे। ऐसा दबाएंगे तो चुभन जैसा पेशेंट को महसूस होगा, अपन दबाएंगे पेशेंट थोड़ा आवाज कर रहे हैं, आवाज आवाज नहीं, पेन हुआ तो मतलब उसको पेशेंट को शोल्डर में तकलीफ है। जैसा गुरु जी ने बताया टेंडरनेस, किसी भी जगह दर्द होगा तो उसमें चुभन होगा, दर्द होगा पेशेंट को, तो मतलब करेंगे उसको ये पार्ट में उसको तकलीफ है। हम जैसे हम पॉइंट देते जाएंगे तो उसका दर्द कम हो जाएगा पॉइंट की तरफ, फिर उसको राहत मिलेगी। इसी तरह लेफ्ट शोल्डर, इसी तरह राइट शोल्डर है ई। अभी अभी पॉइंट नंबर एफ, जिसका लोगों को 8 दिन से इंतजार था, नी, बहुत लोगों ने बहुत थे हमारे नी कभी आएगा, अभी आज नी आ गया है, नी का पॉइंट। अभी यहाँ पे हड्डी जैसा भाग, इतना बड़ा एरिया है, तो ये नी और हिप का पॉइंट है, नी एंड हिप। कैसा दबाना है, उसको हार्ड है तो उसको हम नकल से दबाएंगे, ऐसा पूरी एरिया में दबाते जाएंगे तो हमारे घुटन में जो तकलीफ है उसमें हमको राहत मिलेगी। जैसा एक्यूप्रेशर कहता है, एक्यूप्रेशर में असाध्य रोग, जैसा हमारे नी के दस गए हैं तो हम उसको ठीक नहीं कर सकते हैं, तो हम असाध्य रोग है तो उसको हम पॉइंट देख के उसमें हम राहत दे सकते हैं, ये हमारे घुटने का पॉइंट है। तो ये घुटना हमारा, ये लेफ्ट घुटना है, इसी तरह हमारा अब देखेंगे ये एरिया में राइट घुटना है। ऐसे हम पॉइंट देते जाएंगे तो तुरंत हमें नी की राहत मिलेगी। ये अपन 10-10 सेकंड रोज, अभी सभी बहन लोग को जिसको तकलीफ हो खुद ही पॉइंट देख सकते हैं, ये पॉइंट देंगे, ये हो गया घुटने का ई एफ। अभी अभी जो प्रजनन ग्रंथियां है, ये हड्डी और ये आपको बता रहा हूं मैं, हड्डी और ये, इसका मैं सेंटर निकाल रहा हूँ, सेंटर पॉइंट इधर बराबर हड्डी का, और ये सेंटर पॉइंट है ना, यहाँ हड्डी और ये, इसका सेंटर पॉइंट यहाँ पर आया तो सेंटर में ड्रॉ कर रहा हूँ ये डॉट। ये है G1 अंदर की तरफ, जेंट्स में इसको प्रोस्टेट बोलते हैं और लेडीज में इसको यूट्रस बोलते हैं। ये है G1, अब देखेंगे दोनों अंदर की साइड जो प्रजनन ग्रंथि अंदर की दोनों पैरों में है, सेंटर में बराबर हड्डी और कॉर्नर के बीच में, ये है G1 प्रजनन ग्रंथि, जेंट्स के लिए प्रोस्टेट, लेडीज के लिए यूट्रस। इसी तरह बाहर की साइड हम देखेंगे ये हड्डी और ये बराबर बीच में सेंटर में, ये आएगा G2, ये आएगा G2 पॉइंट, ये होगा जेंट्स के लिए टेस्टिकल, लेडीज के लिए ओवरीज। इसी तरह यहां भी है, इसी तरह G1 G2। अभी इसका काम क्या है, बहनों को बहुत तकलीफ होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में, तो ये अब G1 का पॉइंट सभी बहनें लेंगी रोज डेली, G1 पॉइंट, G2 पर G1 पॉइंट 10-10 सेकंड तीन बार, और G2 पॉइंट भी 10-10 सेकंड तीन बार दोनों पैरों में, दिन में 2-3 मिनट निकाल के करेंगी तो महिलाओं की जो समस्या है उनमें तुरंत राहत मिलेगी। मैं बोलता हूँ आपको बहनों को डेली ये पॉइंट लेवे तो उनकी जो समस्या है उससे बहुत उनको अच्छा फायदा हो जाएगा। इसी तरह जेंट्स को रात को घड़ी घड़ी और पेशाब के लिए उठना पड़ता है अबाउ 65-70, तो उनको प्रोस्टेट की तकलीफ हो जाती है। प्रोस्टेट ग्रंथि क्या होती है, जो प्रोस्टेट ग्रंथि की स्वेलिंग आती है तो हमारी यूरेटर, जो किडनी की यू है, जो यूरेटर नली है, उसको प्रेस करती है, तो क्या होता है हमारा यूरिन रुक रुक के जमा होता है, फिर घड़ी घड़ी रात को उठना पड़ता है, तो ये पॉइंट दबाने से प्रोस्टेट ग्रंथि में स्वेलिंग जो है वो उसको कम हो जाती है। तो पुरुषों को रात को जिसको प्रोस्टेट की तकलीफ हो या दबा के 10-10 सेकंड तीन बार सोना चाहिए, तो उनको रात को घड़ी घड़ी यूरिन करने के लिए उठने की जरूरत नहीं पड़ेगी ये। और दूसरा मैं बताऊं, बहनों को बहुत सी मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, जैसा गुरुजी ने बताया कि हमारी सभी ग्रंथियां, जैसा गुरुजी ने बताया कि हमारी सभी जो ग्रंथियां है तो उसके पॉइंट देंगे तो उसमें हमारे हार्मोन्स जो है हार्मोन्स निकलते हैं, तो डॉक्टर्स बोलते हैं कि लेडीज को हार्मोन्स का प्रॉब्लम, इनबैलेंस हार्मोन्स होता है, तो सभी बहनें सभी पिट्यूटरी थायराइड सभी ग्रंथियां का पॉइंट लेंगे तो उनको हार्मोन्स की जो प्रॉब्लम है उनमें उनको राहत मिलेगी। तो किसको भी लेडीज को प्रॉब्लम हो कि प्रॉब्लम, रोज रोज अभी 5-10 मिनट टाइम निकाल के सभी ग्रंथि के खुद पॉइंट दे सकती हैं, जैसे हमने मैंने वीडियो भेजा है
आप करिए तो आपके जो आपकी प्रॉब्लम है सब मुक्त हो जाएगी। और दूसरा, बहनों को कैल्शियम बहुत कम हो जाता है, उसकी वजह से क्या होता है कि हमें बहुत तकलीफ होती है, तो कैल्शियम के लिए जैसे व्यंजने का सिंगोड़ा खाना चाहिए। तो सिंगोड़ा हम खाएंगे तो हमारा कैल्शियम बढ़ेगा, नहीं तो क्या होता है डाइजेशन सिस्टम में कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। तो हमारे आहार में कैल्शियम ना होने से हमारी बॉडी है ना, हमारे हड्डी में से कैल्शियम एक्सट्रैक्ट करती है, तो हमारी हड्डियां ऑस्टियोपोरोस हो जाती है, और फिर ऑस्टियोपोरोस होने से हड्डियों की जगह घुटने पर पैरों में सूजन आ जाती है। तो इसे अवॉइड करने के लिए हमें सिंगोड़े का आटा है, कैल्शियम ऑडियो बंद हो गया आपका दीपक भाई, ऑडियो नहीं आप आवाज 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 गई आपकी। यस यस आप अभी भी बंद है ऑडियो आपका दीपक भाई, ऑडियो ऑन करें शर्मा जी। यस हाँ अभी सही करेक्ट। अरे बीच में फोन आ गया इसका। हाँ फोन आ गया तो ऑडियो ठीक है। अभी एक मिनट लास्ट रेक्टम वर्ड बता दें। हाँ एच पॉइंट, ये एच पॉइंट रेक्टम रेक्टम दोनों पैरों में कैसा दबाएं, प्लकिंग प्रेशर दबाते जाएंगे से रेक्टम। अभी फिर से मैं रिपीट करता हूं, पॉइंट नंबर ए लिम लसिका की ग्रंथियां, पॉइंट नंबर बी चेस्ट ब्रेस्ट रिब्स जो वेब के बीच में है, पॉइंट नंबर सी इसमें हमने रीढ़ की हड्डी के डिवीजन दिखाए हैं, पांच डिवीजन सर्वाइकल थोरेसिस लंबर सेक्रम कॉक्स, मैंने आपको इसका चार्ट भी भेजा है, पॉइंट नंबर डी यूरिनरी ब्लैडर, पॉइंट नंबर ई आर्म शोल्डर, फिर पॉइंट नंबर एफ नी हिप घुटने का पॉइंट जैसे बताया ना ये, फिर जी1 जी2 प्रजनन ग्रंथियां यूट्रस प्रोस्टेट और टेस्टिकल और ओवरीज। आपको मैंने रिलैक्सेशन बताया था, सात नंबर ऐसा बताया था और फर्स्ट नंबर ऐसा किया था ना, तो उसमें क्या था जी1 जी2 हो रहा था और सेवन नंबर ऐसा क्लिप दबाया था, तो ऑटोमेटिकली रिलैक्स करने से इसका पॉइंट हो जाता है। और दूसरा लास्ट में है मेटाटार्सल, जो ऊपर के भाग है ना, जो पैर के ऊपर के भाग, उसको हम मेटाटार्सल कहते हैं। पॉइंट कैसा देना है, लिम्फ में आठ उंगली रखिए, रोटेट करिए, फिर आठ उंगली ऊपर लेके आइए, 16 पॉइंट हो गए, 24 पॉइंट हो गए, 32 पॉइंट हो गए, 40 पॉइंट होंगे, एक साथ आपके 40 पॉइंट हो जाएंगे। ये हमारा लो बीपी का एक पॉइंट है, जैसे गुरुजी बताएंगे आपको, लो बीपी वन ऑफ द पॉइंट ऑफ द लो बीपी इज कॉल्ड मेटाटार्सल। अगर आपको पैरों में दर्द हो, पैरों में कोई तकलीफ हो, तो आप मेटाटार्सल का पॉइंट लेंगे तो आपको पैरों में पूरी आपको राहत मिलेगी। ये दोनों पैरों में है मेटाटार्सल का पॉइंट। इसी तरह आज का ये प्रैक्टिकल यहाँ समाप्त हो रहा है, अभी गुरुजी आपको और आगे बताएंगे। जय भगवान, जय भगवान, जय भगवान, जय भगवान। अभी शर्मा जी। हाँ जी गुरुजी, नाम दो तीन लोग जो अपना एक्सपीरियंस सुनाते हैं, सुना लो, फिर टाइम बचेगा उसमें बता। बिल्कुल बिल्कुल, वीणा अनुराधा जोयसर मलेशिया से, अनुराधा जी को इनवाइट करिए, अनुराधा जोयसर से जुड़ी हुई है। अनुराधा जी जय भगवान, जय भगवान। ऑडियो नॉट योर, नॉट ऑडियो ऑन, आवाज नहीं आ रहा आपका। अनुराधा ऑन करिए, मेरा आवाज आ रहा है अभी, अभी आ रहा। ओके गो इट गो इट। जय भगवान गुरुजी, जय भगवान बाबा। कल मेरा बर्थडे था तो उसके लिए आप दोनों को पायलगन मेरा बहुत 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 हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। और मुझे बहुत खुशी है कि यू नो मेरे बर्थडे से मैं आज लाइक उसके पहले से लाइक इनफैक्ट मैंने लास्ट कोर्स अटेंड किया था, इसके पहले का जो थर्ड सेमिनार था वो मैंने अटेंड किया था गुरुजी के साथ, और माय एक्सपीरियंस वाज वंडरफुल। एंड मुझे खुद को लाइक नेजल फॉलिप्स का प्रॉब्लम था सिंस लास्ट 10 ईयर्स, साइनस इन अ सेंस, और उसमें मुझे फॉलिप्स होके मुझे मेरे दो बार सर्जरी हो चुके हैं 2010 में और 2017 में रिसेंटली, एंड बहुत पेनफुल है सर्जरी का, तो पूरा प्रोसेस पेनफुल है ही,
और व्हेन यू आर इन अब्रॉड कंट्रीज आपको लाइक यू हैव टू वेट फॉर आवर्स एंड आवर्स इन द हॉस्पिटल डू रेगुलर चेकअप और वो सब परेशानियां और एडिशनल रहती है. सो गोइंग थ्रू ऑल दिस प्रोसेस एवरी टाइम गो फॉर द चेकअप और सर्जरी के लिए जाओ और उससे मैं इतनी परेशान थी ना कि लाइक आई वॉज लिटरली फेड अप. और जब से लास्ट सेमिनार से सर ने जो साइनस के मुझे पॉइंट्स बताए इट वाज अमेजिंग यानी मुझे अद्भुत ये मिला है लाइक व्हाट आई विल से आई डोंट हैव वर्ड्स बट मुझे बहुत ही खुशी हुई कि मेरे बहुत सारे पॉलिप्स खुद से ही साइनस पॉइंट देने से निकल गए एंड माई आई एम गेनिंग माई स्मेलिंग सेंसेस. एक्चुअली मेरी स्मेलिंग सेंसेस टोटली निकल चुकी थी लाइक मेरे घर पे कुछ जल भी जाता है ना तो मुझे पता नहीं चलता आई एम टोटली ब्लैंक. तो अभी अभी मुझे यू नो आई एम सो फीलिंग हैप्पी अबाउट इट कि मुझे अभी आई कैन स्मेल सो मेनी थिंग्स एंड इट्स रियली वंडरफुल. और मेरी बेटी थी उसको भी साइनस का प्रॉब्लम था तो उसको भी बहुत उसके नोज में से रनिंग वाटर यानी कंटिन्यूस पानी बहता था ना इसे तो उसको भी बहुत फर्क पड़ा. मेरे लड़के को छींके आती थी सुबह को लाइक एवरी टाइम व्हेनेवर ही कम्स आउट फ्रॉम द बाथ ही यूज्ड टू गेट यू नो फ्रीक्वेंट स्नीजिंग प्रॉब्लम तो उसको भी काफी लाइक ये रिलीफ मिली. फिर मेरे हस्बैंड को हाई बीपी है तो उनको भी मैं बीपी के पॉइंट्स दे रही हूँ सिंस लास्ट 15 डेज और वो भी मुझे बोलते जो अभी जस्ट दीपक जी ने जो बताया कि टेंडरनेस तो पहले मैं जब भी उनको बीपी के पॉइंट्स देती थी ना आई कुड मेक आउट कि सर्टन पॉइंट्स के वक्त स्पेशली दिस पॉइंट के वक्त उनको ना बहुत पेन होता था बट स्लोली एंड स्टेडीली अभी वो पेन नहीं होता सो दैट टेंडरनेस इज रिड्यूस्ड. So, वो लाइक जब भी आप प्रैक्टिस करोगे ये लाइक दिस एक्यूप्रेशर पॉइंट्स आपको खुद को यू नो इतना अच्छा एक्सपीरियंस आएगा आपको खुद को फील होगा दैट इट्स रियली अमेजिंग एंड इट वर्क्स वंडर्स. और यू नो मैं इतनी खुश थी कि मैंने अपने सब रिलेटिव्स को इंडिया में अब्रॉड में सबको यू नो आई वॉज टेलिंग दैट प्लीज ज्वाइन ये जो पूरा भारत विकास सेवा का जो ये पूरा कार्य है वो सच में सब लोग इतने सेवाभावी और इतने अद्भुत है कि इवन आई वांट टू जॉइन देम एंड आई वांट टू यू नो हेल्प अदर्स. यू ऑलरेडी जॉइन्ड. और सर मैंने अपने बहुत सारे फ्रेंड्स को भी इधर जो मेरे आजू बाजू में हमारे सोसाइटी में रहते हैं एक को सर्वाइकल का प्रॉब्लम था तो उसको भी मैं पॉइंट्स मैंने दिए उसको भी काफी रिलीफ मिला. काफी जिनको थायराइड की इश्यूज थी तो उनको भी मैंने थायराइड के पॉइंट्स बताए सेम एज आई सेड कि टेंडरनेस उनका भी धीरे धीरे कम हुआ है सो लाइक आफ्टर सम टाइम दे विल कम टू नो द रिजल्ट. बिल्कुल अनुराधा जी मैंने आपको लास्ट ऑनलाइन में देखा था आपके चेहरे पर इतनी खुशी और इतनी चमक नहीं थी जो दर्द था आपका रोगों का वो चेहरे पे बयां कर रहा था लेकिन आज नहीं लास्ट सेमिनार में एक्सपीरियंस बोलते वक्त मैं लिटरली रो पड़ी थी कि मैं इतनी खुश थी आई वाज सो हैप्पी कि मेरे तभी भी मेरे पॉलिप्स गिर रहे थे और मेरा सिर भी दुखता था क्योंकि जब भी पॉलिप्स ये होते हैं ना माय ब्रेन लाइक टोटली पेन होता है जिसकी साइनस की प्रॉब्लम है उसे पता होगा इट्स वेरी पेनफुल. तो मैं इतनी खुश थी तभी तो मैं लिटरली रोई मेरे पास मैं बोल ही नहीं पा रही थी इनफैक्ट एंड आई वाज वेरी हैप्पी. बिल्कुल अनुराधा जी धन्यवाद आपने जो आजमाया है आपने जो आजमाया सभी लोग आजमाएं और असर देखें कि एक्यूप्रेशर के तमाम जो पॉइंट्स है गुरुजी बताते हैं उससे असर होता है और होता है. और दीपक जी ने भी मेरी बहुत मदद की उन्होंने हमेशा मुझे गाइडेंस दिया और कभी भी मैं उनको फोन करती थी तो हमेशा दीपक जी यू नो ही वाज प्रेजेंट देयर टू हेल्प मी आउट. थैंक यू सो मच वंस अगेन हैप्पी बर्थडे. हैप्पी बर्थडे अनुराधा जी. थैंक यू. अब सीधे मलेशिया से चलते हैं सीधे मुंबई की तरफ. मुंबई से मिस्टर आलाप शाह है. आलाप शाह वीणा लेके आइए आलाप जी को. एएल आलाप शाह देश का नहीं आलाप जी. जय भगवान. जय भगवान. प्रणाम गुरु जी. प्रणाम बाप. गुरु जी मेरा एक्सपीरियंस आज से 20 साल पुराना है. तब मैं अहमदाबाद में रहता था और मेरा एक्सीडेंट हुआ था और मुझे बैक एक जबरदस्त हो गया था. वेरी पेनफुल वेरी वेरी पेनफुल. मेरे मामी वर्षाबेन पालखीवाला
कई कई लोग यहाँ पे ग्रुप में उनको जानते होंगे, उन्होंने मुझे पॉइंट्स देना शुरू किया और कोई दवाई नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, कुछ नहीं, आई वॉज बैक टू नॉर्मल, एकदम नॉर्मल लाइफ। तब से गुरु जी हमारे फैमिली के इट इज लाइक अवर फर्स्ट मेडिसिन, हमारा सबसे पहला मेडिसिन इज एक्यूप्रेशर। आप कोई भी चीज बताइए, हेडेक, एसिडिटी, डायबिटीज, फ्रोजन शोल्डर, कोलेस्ट्रॉल इश्यू, ब्लड प्रेशर, हर एक में हमारी पहली दवाई होती है एक्यूप्रेशर। अगर वहां से कुछ नहीं सॉल्व होता है देन वी गो टू द डॉक्टर। सो एक ट्रेमेंडस हमारे लिए साइंस है ये, जो हमको सीखना था। तो ऐसा था कि सीखना था, जिज्ञासा खूब थी, पर तक नहीं मिल रहा था, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा था सीखने का। ये लॉकडाउन में हमको वो अपॉर्चुनिटी मिल गया आज। सो पिछले 8 सेशंस में इतना कुछ सीखने को मिला है। सो नॉट अबाउट सिर्फ पॉइंट्स के बारे में नहीं गुरु जी, कैसे एक अच्छी जिंदगी जीनी है, कैसे एक हेल्दी जिंदगी जीनी है, हर एक चीज के लिए। तो आज मेरे घर में 7 साल का मेरे बेटे से लेके 70 साल की मेरी मम्मी, हर एक जन कुछ ना कुछ सीखे। सो थैंक यू सो मच, सो मच कि आपने हमको इतना सब हेल्प किया। आज सुबह भी मैंने गुरुजी को फोन किया, इमीडिएटली उन्होंने हमको हेल्प किया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय भगवान आलाप जी। सीधे आलाप जी के बाद ये आम हो या खास हो, और एक्यूप्रेशर के तमाम जो पॉइंट गुरुजी बता रहे हैं उनसे असर हो रहा, यहाँ तक कि डॉक्टर्स जो हैं उनको भी असर हो रहा है। और मैं अब इनवाइट करता हूँ मुंबई चेंबूर से डॉक्टर भारती भोजवानी। डॉक्टर भारती भोजवानी डेंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं। डॉक्टर भारती जी, भारती भोजवानी जी को लेकर आइए। वीना जी, वीना बिटिया, नहीं दिखती है। डॉक्टर भारती भोजवानी, भारती भोजवानी नहीं है, अनुप्रसन्न भोजवानी है। अनुप्रसन्न नहीं। डॉक्टर भारती भोजवानी, कमेंट्स करें यदि क्या आपकी आइडेंटिटी है, आईडी है, ताकि हम आपको आइडेंटिटी कर सके, या फिर अपना नाम रीनेम करें। नहीं वीणा नहीं मिल रही है, एक मिनट बाकी। नहीं मिल रही, चलो छोड़िए फिर, अभी कल देखेंगे। गुरुजी एक अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही है हमारी बिटिया रानी, जो दो बिटिया है हमारे इस ऑनलाइन में सहयोगी विशेष, एक तो कृति है और एक वीणा है। तो वीणा कुछ बोलना चाहती है मुझसे, रिक्वेस्ट। वीणा नाइक है, ये हमारी होस्ट भी है और टेक्नोलॉजी पार्टनर करण नाइक की बिटिया है। तो वीणा को कहूंगा, क्या आप बयां करती है बताइए। जी मेरा एक्सपीरियंस मतलब शर्मा जी आपके लिए है कि जब आप नए थे तो सब लोग आपको इतना मिस कर रहे थे। गुरुजी मतलब एक ऐसा दिन नहीं गया जब गुरुजी ने ऐसा नहीं बोला कि शर्मा जी की गैर मौजूदगी में आज का सेमिनार खत्म करते हैं। तो आपके लिए चंद लाइन, आप सबके लिए शायरी बोलते हैं, आज आपके लिए शायरी। वाह वाह धन्यवाद। आपकी गैर मौजूदगी रंगीन महफिल को भी सूना कर देती है। वाह वाह। आपकी गैर मौजूदगी रंगीन महफिल को भी सूना कर देती है, आपकी मौजूदगी हर एक के मन में तरंग भर देती है। वाह वाह बहुत बढ़िया। और लफ्ज कम है आपकी तारीफ में कि बस आपके अल्फाज चांद के चांदनी में रंग भर देते हैं। वाह वाह, खूब खूब शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद प्यार के लिए, धन्यवाद धन्यवाद। बहुत अच्छा जी जी गुरु जी। तो अभी थोड़ा 10-12 मिनट में कुछ बोलो, जिस चीज बताना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने देखा प्रैक्टिकली दीपक भाई ने बहुत सारी चीजें बता दी, मेरा समय उन्होंने बचाया। और आपको मालूम है कि आपको उसका वीडियो मिलने वाला है, वो वीडियो में भी देख करके आज का जो पाठ्यक्रम हुआ है उसको आप दृढ़ कर सकते हैं। आज मुझे दो चीज बताना है अपना समय पूरा उसके पहले। एक तो दांतों के ट्रीटमेंट, मुझे दो तीन प्रश्न भी आए। टूथ एक दांत में जो दर्द होता है उसके लिए हम एक्यूप्रेशर के जरिए क्या मदद कर सकते हैं, कृपा करके ध्यान से देखना। सबको मालूम है हमारे दांत कुल 32 है, 16 ऊपर के टेंचर में, 16 नीचे के टेंचर में, सबको मालूम।
तो जब उसकी जो गिनती होती है दांतों की, उस सेंटर से लेकर आठ यहाँ पर, आठ यहाँ पर ऊपर का, वैसे नीचे का भी आठ यहाँ पर, आठ यहाँ पर, ऐसी गिनती है। अभी ध्यान से स्टेप बाय स्टेप सुनिए। अगर समझो कोई दांत ऊपर के डेंचर में दर्द करता हो, 16 में से कोई भी, तो उसके लिए हमारे हाथों का, उंगलियों का उपयोग करना है। हाथों कैसे करना है देखिए। अगर दर्द ऊपर के डेंचर में राइट साइड में है, दाई तरफ है, तो दाएं हाथ की उंगली का उपयोग करना है, बाई तरफ हो तो बाएं हाथ की उंगली का उपयोग करना है। कैसे करना है? एक उंगली दो दांतों का प्रतिनिधित्व करती है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, इस प्रकार एक उंगली में पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां, इस प्रकार होता है। तो समझो अपना चौथा दांत दर्द कर रहा है राइट का, तो क्या करेंगे? दो छोड़ दिया, तीन चार, ये देखिए बराबर, ये नाखून वाले भाग को ऐसा पकड़ के दबाना है, और कितना दबाना है? थोड़ा ज्यादा दबाना है। और कितना समय दबाना है? डेढ़ से अढ़ाई मिनट, तो एवरेज दो मिनट तक दबा के रखना है। ऐसा रखने से क्या होगा? ये जोन ऐसा जो दांतों में जाएगा और वहां पर एनेस्थेटिक इफेक्ट करेगा, सुन कर देने की प्रक्रिया वहां होगी, दांत का दर्द चला जाएगा। उस प्रकार आप दांत की गिनती करके ऊपर का अगर डेंचर हो तो हाथ की उंगलियों में, राइट का राइट साइड में, लेफ्ट का राइट साइड, लेफ्ट का लेफ्ट साइड में, राइट का राइट साइड। अभी समझो नीचे के कोई भी दांत में दर्द हो तो उसके लिए उसी प्रकार अंगूठा जोड़ करके पैर की उंगलियों में दबाना है, हर एक उंगली में दो दो दांत, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, उसको ऐसे ही जैसे यहां दबाया वैसे उंगली को दबाना है, और कितना समय? एवरेज दो मिनट दबाना है। उससे अवश्य दांतों का दर्द ठीक होता है, सामान्य दर्द ठीक होता है। अभी समझो वो दांत सड़ गए, गल गए, एक्सट्रैक्शन के लायक हो गए, तो भी इमरजेंसी में आप उसका फायदा ले सकते हैं और फिर डॉक्टर को दिखा सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आवश्यक दांतों के पॉइंट्स हैं। अभी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, एक्यूप्रेशर किस तरफ से हेल्प कर सकता है, तो ये इम्यूनिटी बढ़ाने के पॉइंट मैं आपको दिखाता हूँ। कृपा करके आप देखते जाइए और चाहे तो नोट करते जाइए, और शायद मेरे ख्याल से दीपक भाई के पास उसका वीडियो होगा तो आपको भेज भी देंगे। तो देखिए दो पॉइंट उसके पैर में है और एक पॉइंट हाथ में, तीन पॉइंट केवल है, और वो पैरों के ऊपर के हिस्से में है। कैसे है मैं बताता हूँ। आप देखो, दिखाई से नहीं, नहीं आओ तो हाँ बराबर, राइट राइट, दिखा? दिख रहा, दिख रहा। देखो अभी क्या है कि ये पैर ऐसा ऊपर रखा है, आपको रखनी जरूरत नहीं है, आराम से दे सकते, मैं आपको दिखे इसलिए। फिर क्या करना है, ये अंदर की साइड है अंगूठे की साइड, और एक बाहर की साइड है, तो हमें अंदर की साइड चूज करना है। दखने से एंकल से चार उंगली के अंतर पर, चार देखो, चार भर दिया तो कहाँ आएगा? ये यहाँ पर ये दबाव देना है और उसको ऊपर की ओर दबाना है। 10 सेकंड दबाइए, छोड़ दीजिए, 10 सेकंड दबाइए, छोड़ दीजिए, कितनी बार? 3 टाइम, 10 10 10, 3 बार, एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट जो है ये अब आपको दिखने के लिए दूसरा पे लेता हूं मैं, ये अभी बाहर की साइड है, देखिए ये छोटी उंगली वाली साइड है, ये उसमें हमारा जो घुटना है उसके नीचे एक हड्डी है प्रोट्रूडिंग उपसी हुई, उससे 3 उंगली दूर जाना है, और यहाँ पर जो हड्डी है उसके खड्डे में पॉइंट है, उसको क्या करना है? वो भी नीचे नीचे के दो देना है, ऐसा दबा करके नीचे की ओर दबाइए, कितना? 10 सेकंड का, 3 बार, तो पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट हाथ में है, वो ये यहाँ पर देखो, एक कौनी का जो जॉइंट है ना उसके अंगूठे के साइड में यहाँ पर है, देख सकते हैं। जो लोग मेरिडियन का ज्ञान रखते हैं उसमें पहला पॉइंट जब आया वो SP6 था, स्प्रिंग 6, दूसरा पॉइंट ST36 था, और ये पॉइंट जो बताया
ये LI 11 पॉइंट है, लार्ज इंटेस्टाइन 11। ये तीन पॉइंट दोनों हाथों में दोनों पैरों में बारी बारी से देना है, इससे इम्यूनिटी बढ़ती है। इम्यूनिटी बढ़ने से रोग आने की संभावना कम हो जाती है, इंक्लूडिंग कोरोना वायरस, ख्याल करना। और कोरोना वायरस आप सबको अभी तक ज्ञान हो गया है कि फेफड़ों में जाकर के बहुत तकलीफ पड़ता है, वेंटिलेटर लगाना पड़ता है, ICU में रखना पड़ता है। तो अपने फेफड़े क्लियर रहे उसके लिए कल मैंने एक एक्सरसाइज बताई थी, आज फिर से रिपीट करता हूँ। मैंने एक सज्जन को देखा जो इसमें ज्वाइन हुए, वो कर रहे थे, उन्होंने 10-15 बार किया। ऐसा हम 5 बार 6 बार 7 बार करते, आराम से बैठ जाइए कुर्सी में, चेयर में, सोफे में, कहीं भी, और फिर हाथ को ऐसा करके ऊपर करने करने समय सांस को भीतर बनना है। ऐसा 8 बार 10 बार 15 बार कर सकेंगे, और टाइम लगेगा हार्डली कितना, 5 मिनट 4 मिनट लगेगा। तो ये करने से फेफड़ों की कैपेसिटी, फेफड़ों की एफिशिएंसी बढ़ती है और कोरोना वायरस आने की संभावना कम हो जाती है। और ये तीन पॉइंट जो है हमारे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाएगा। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अच्छी खुराक, पौष्टिक खुराक खाना चाहिए, जीवन में उत्साह रहना चाहिए, खूब उत्साह से जीना चाहिए। तीसरा, दूसरे किसी का भला कर सकते हैं तो उससे हमारी इम्यूनिटी बहुत बढ़ती है। दूसरा किसी का भला करिए, आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। अच्छे मित्रों से, सत मित्रों से मिलिए, बात करिए, उससे भी आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। पॉजिटिव थिंकिंग करने से इम्यूनिटी बढ़ती है, नेगेटिव थिंकिंग को भगाने से इम्यूनिटी बढ़ती है। ये सारी चीजें आप ध्यान में रख करके करेंगे तो आपकी इम्यूनिटी खूब बढ़ेगी, और इम्यूनिटी बढ़ने से रोग आने की संभावना कम होती है। आज के प्रेजेंट युग में कोरोना से सब भयभीत है, ये इम्यूनिटी बढ़ने से उसका संक्रमण होने की संभावना कम हो जाती है। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफी है। दो तीन चीजें और भी कहना था, मतलब ये समय होने जा रहा है, तो कल फिर 7:45 को हम लोग इकट्ठे होंगे। और सबसे मेरा अनुरोध है, इन पॉइंट्स का उपयोग करिए और आपका क्या फीडबैक है वो बताइए। दूसरी चीज, कुछ लोगों के मुझे मैसेज आते हैं व्हाट्सएप मैसेज, उनसे नियम है, उसको उनसे विनती है कि उनका नाम लिखे, और जब मैं कहूँ कि प्लीज स्पीक टू मी ऑन फोन, तो मैं उनको प्रत्यक्ष डायरेक्ट मार्गदर्शन दे दूंगा। इतना करिए तो यहाँ का समय बच जाएगा। एक दो लोगों के मैसेज मेरे पास है, उनका नाम नहीं है, तो कृपा करके अपना नाम लिखिए और क्या तकलीफें लिखिए, और मैं कहूंगा प्लीज स्पीक टू मी ऑन फोन, फोन पर बात करिए, मैं आपको अवश्य मार्गदर्शन दूंगा। मुझे बात कर सकते हैं, दीपक भाई बात कर सकते हैं, कल्पना मैं से बात करते हैं। तो आज के लिए इतना काफी है, सभी को बहुत बहुत मेरा प्रणाम। हमारी पूरी टीम को मैं वंदन करता हूँ और आज का कार्यक्रम समाप्त है, ऐसा करता हूँ। गुरु जी एक और है, डॉक्टर जो है भारती भोजवानी चेंबूर से, अनूप शरण भोजवानी आईडी है उनकी, बिना उनको लेके आई। जय भगवान भारती जी, जय भगवान, जय भगवान गुरु जी, जय भगवान बा। एंड आप सबका बहुत बहुत आभार, दीपक जी, सुनील जी एंड दीपक की सिस्टर। एक्चुअली आप विश्वास नहीं करेंगे, 4 साल पहले एक मिस्टर गणेश परमार है जो चेंबूर में आपका सेंटर चलाते हैं RCF में, तो वो मेरे, उनका बहुत बड़ा दांत का काम, मतलब 3-4 घंटे के दांत का काम मैंने किया था चेयर पे, एंड मेरी खुद की गर्दन अकड़ी थी, तो उन्होंने मुझे एक्यूप्रेशर तभी ही दिया था एंड तुरंत रिलीफ मिला था। तो मैंने 4 साल पहले उनसे सब पूछा, तो मैंने कहा कांदिवली तो मैं कहाँ जाऊंगी सीखने के लिए, पॉसिबल नहीं है, और इस बात को भूल गई थी। अभी मैं कोरोना को भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आपसे सीखने के लिए मिला है एंड इतना अच्छे से सिखाते हैं ना, मैं बिल्कुल सब 7:30 तक डिनर रेडी, सब रेडी करके ना मुझे मिस नहीं करना है। दो दिन पहले ना मैंने दीपक जी से दांत का पॉइंट पूछ लिया था, क्योंकि ये कोरोना के टाइम पे तो बहुत इमरजेंसी पेशेंट्स आते हैं ना, तो उन्होंने मुझे 2 दिन पहले अच्छे से गाइड किया था। अभी मैंने 3-4 पेशेंट्स को वो बताया है, उसका फीडबैक आई थिंक 5th तक मुझे मालूम पड़ेगा। एंड और मैं ना जो चीज आप नहीं भी सिखा रहे हो वो भी सीख रही हूँ, स्पेशली बा को देख के ना, वो कितना बैठे हैं पूरा लेक्चर में, लाइक यू नो एकदम शांत, तो ऐसे भी रहा जा सकता है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है।
आप सबका आभार है। आपको किसने बताया वेबिनार का? एक्चुअली थाने में एक मेरे चाचा जी है, उनको किसी ने भेजा था। वही दिल से जब भी गणेश जी ने बोला था ना कि गुरुजी से अगर तुमको सीखना मिला तो तुम इतने पेशेंट, हर एक पेशेंट कोई ना किसी को डायबिटीज, किसी को कुछ होता ही है, तो मैंने उसको एक ही बार बस भगवान को बोला था कि अगर आपको ठीक लगे तो मुझे गुरुजी से मिलाना। एंड 8 साल के बाद मुझे तो भगवान ने कोरोना में मिला दिया आपको। वही लग रहा है कि बुराई में भलाई हुई, मैंने बहुत कुछ सीखा एंड और भी आपके टच में सीखते रहूंगी, पूरी कोशिश करूंगी मैं। हमारे परिवार में जुड़ जाइए, आप हमारे परिवार में जुड़ जाइए। जी जरूर जरूर, बहुत आभार, धन्यवाद, थैंक यू। आखिरी में सभी को यही कहूंगा, तमाम जो आपके सवाल है चैट बॉक्स में, तो मैं यही कहूंगा कि सभी जो प्रॉब्लम्स है आपकी, सबके जवाब मिलेंगे। और गुरुजी लास्ट में दो आप सभी लोगों को गिफ्ट देंगे पीडीएफ के रूप में, एक मार्गदर्शिका और एक जो सरल उपाय है जो अजमाए हुए, वो आपको आखिरी दिन मिलेगी आपके मोबाइल में, तो वो अद्भुत गिफ्ट मिलेगी गुरुजी की तरफ से। और लास्ट में आप सभी जो आप इसको अप्लाई करें, सब बीमारियां जो है आपके रोग है सब अप्लाई करें, और लास्ट में आप जो लिख रहे हैं नोटबुक से पहले दिन से आज तक जो 8वें दिन तक लिखे आपने, उसके बारे में यही कहूंगा आखिरी में लास्ट में जाते जाते कि पसीने की स्याही से लिखे पन्ने कभी कोरे नहीं होते, पसीने की स्याही से लिखे पन्ने कभी कोरे नहीं होते। और जो करते हैं मेहनत, आप सब लोग मेहनत कर रहे हैं, और जो करते हैं मेहनत उनके सपने कभी अधूरे नहीं होते, उनके सपने कभी अधूरे नहीं होते। आप सबके सपने जो रोग मुक्त हो, आप निरोगी हो, ये सपना पूरा होगा। बस शर्त यह है आपको अप्लाई करना है, गुरुजी जो बता रहे हैं अप्लाई, जो भी पॉइंट्स वो अप्लाई करने, उपाय जो बता रहे हैं। सभी का धन्यवाद, कल 7:45 को मिलते हैं। जय सभी का, जय भगवान। गुरुजी प्रणाम, जय भगवान, प्रणाम, जय भगवान, जय भगवान, वीणा, वीणा, जय भगवान, सभी सभी को, सभी को जय भगवान, धन्यवाद सभी का, वाह वाह, जय भगवान, बहुत बढ़िया।